आजाद भारत का गुलाम नागरिक हो गए। हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं हैं, उनसे हमारे बहुत सी बिंदु पे मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया ये दर्शाता है कि ये लोकतंत्र को मिटाने वाली बात है। तो अगर यही चीज होता रहा तो आज तो राहुल गांधी के साथ हुआ है, कोई भी नहीं बचेगा। आप जीत गए हैं तो हुआ, आपको काम के लिए भेजा है, ये गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी भेजा है। बजट बिना डिस्कशन के पारित हो जाना ये क्या दिल दर्शाता है? इसको लोकतंत्र कहेंगे क्या? ये बहुत बड़ा जनता का धोखा होने वाला है। ये सब्सिडी के नाम पे इसको बंद करने वाली बातें हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं सुरजी सम्राट भवन है वहाँ मौजूद हूँ। कई सारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे में कामरेड विजय कुमार झा जी मेरे साथ हैं। इससे पहले आपने उन्हें सुना नहीं होगा, क्या कहेंगे झा जी? अभी जो देश में हालात हैं दोस्तों, इस समय जो देश में हालात हैं सभी लोग जानना चाहते हैं किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं। और विजय कुमार झा जो हैं उन्होंने एक दौर देखा है, इमरजेंसी का भी दौर देखा है, इंदिरा जी का टाइम भी देखा है, लोहिया और जो तमाम चीज़ें जो हमारे देश में हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, ये तमाम दौर जो हैं विजय कुमार झा जी ने देखे हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे सर अभी के जो दौर चल रहा है इस समय देश में, तमाम जो गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी वाला मामला हो या एक तरीके से विपक्ष को जो है ख़त्म करने का जो मामला हो, लगातार सवाल उठा रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है, क्या कहेंगे किस तरीके के हालात हैं इस समय? क्या आपको लगता है इस समय देश में जो है इमरजेंसी जैसे हालात हैं? बिल्कुल, इस समय अघोषित इमरजेंसी है। वो जो दौर था इंदिरा जी के समय में वो एक घोषित इमरजेंसी थी और उनमें तमाम जो अधिकार थे इमरजेंसी लगाने के बाद, उन तमाम मजदूरों को, गरीबों का जो हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार था, मौलिक अधिकार थे, उन सारे अधिकारों पे चोट किया गया था। आप कोई गेट मीटिंग नहीं कर सकते, कोई संगठन आप नहीं बना सकते, कोई ढंग की मीटिंग नहीं कर सकते, सारी चीज़ें ब्रेक हो गया था, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे, अगर आप किए तो जेल में डाल दिया जाता था। आज के दौर हम समझते हैं उससे भी भयानक है, आज के दौर। क्योंकि देखिए, फर्स्ट बात तो है कि अघोषित इमरजेंसी में तमाम जो लेबर ला जो है, जो पहले के जो बने हुए थे, उन कानून को चार श्रम कानूनों में फिरो दिया गया। आप कोई मजदूर को निकाल दिया गया, मजदूर अपना केस जो है लेबर डिपार्टमेंट में डाल नहीं सकता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं, निकाल दिया। लोगों के तनख्वाह कमा लिए, तनख्वाह नहीं मिली, अब वो अपना मुकदमा कहाँ डाले? क्योंकि उनके पहले इंस्पेक्टर, पहले उस दौर में इमरजेंसी ख़त्म के होने के बाद जो एक मजदूरों ने, जो आम जनता ने जो राहत महसूस किया था, वो राहत इस सरकार में बिल्कुल नगण्य हो गया, छीन लिया गया। मजदूर की तनख्वाह ना मिले, कोई केस नहीं कर सकता। मजदूर कोई लेबर ला नहीं है, कोई साबूत नहीं है, कोई मजदूर काम करते उसके हाथ कट जाए, भाई उसके पास कोई साबूत नहीं, वो जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, अपना रोना किसको रो रहा है? अब इसको आप क्या कहेंगे? अब हमारा कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर ये तो दिया गया है कि मजदूर को अपना संगठन बनाने को उस संविधान के अंदर है, हैं कि मजदूर अपना जो है कि संगठन बना सकता है, हैं। और ये चीज़ अभी नहीं मिला, 1926 में अंग्रेज़ों से लड़के, ब्रिटिश सरकार से लड़के 1926 में मजदूरों ने ट्रेडमैन एक्ट बनवाया और उन चीज़ों पे भी चोट है, मजदूर संगठन नहीं बना सकता हैं, मजदूर अब जब कोई साबूत नहीं है, अब गेट, अगर मजदूर गेटों पे जाके अगर धरना प्रदर्शन करे तो आज क्या है, पुलिस आएगी, माने उसको डंडा मार के भगाने की कोशिश करे, अगर पुलिस भी आ जाते हैं, गुंडे भी आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लिया उससे भी नहीं निपटा तो क्या है, जब अदालत में चले जाते हैं, 200 गज, 300 गज,
400-500 गज की जो स्टे मिल जाता है। अब स्टे मिल गया तो मजदूर क्या हो गया, अब स्टे मिल गया तो उनके जो है कि ऐसे ही बिखर गया। लेबर कोर्ट सुनने वाला नहीं, पुलिस सुनने वाला नहीं, धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, हड़ताल कर नहीं सकते, तो जाए तो कहाँ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक तो नहीं कहा जाता है ये, तो इसको हम तो कई इसको ये मान सकते हैं आज़ाद भारत का गुलाम नागरिक हो गए। तो इसको तो ये इसको क्या कहेंगे, अघोषित इमरजेंसी है, ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा कुछ हुआ तो भाई आपके ऊपर जो है कि क्या लगा दिया जाएगा, देशद्रोही हो जाएंगे आप, हैं जेलों में जाइए, जेलों में जाओ उल्टे आपके ऊपर केस बन जाएंगे। तो ये है परिस्थिति, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी की जैसी हालात है, और ये इमरजेंसी में भी इस रूप में नहीं था जैसे कि अभी हो रहा है। इमरजेंसी में अगर मान लिया आप यूनियन बनाने का नहीं था, लेकिन कम से कम केस डाल देते थे तो लेबर डिपार्टमेंट सुनता था और जो भी होता था वो थोड़ा बहुत उसमें रिलीफ देता था, है आज तो कुछ इस तरह की बातें नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी कह देगा मेरी तो हाथ बंधी हुई है जी, पुलिस के पास जाओ, कलेक्टर बाबा बोले लेबर कोर्ट में जाओ लेबर कोर्ट में लेबर डिपार्टमेंट में जाओ, लेबर डिपार्टमेंट वाले कहते भैया मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, भैया सरकार ने कुछ ऐसी बातें कर रखी है, तो ये परिस्थितियाँ। अच्छा ये जो तमाम परिस्थितियाँ बनी हैं, अच्छा राहुल गांधी के मामले को आप किस तरीके से ले रहे हैं? हम राहुल गांधी के मामले में मैं समझता हूँ एक तरीके से जो हमारे देश के संविधान में लोकतंत्र के बारे में कहा गया है, तो ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि हमारे राहुल गांधी से विभिन्न मतभेद भी हमारे हो सकते हैं, हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं हैं, उनसे हमारे बहुत सी बिंदु पे मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया ये दर्शाता है कि ये लोकतंत्र को मिटाने वाली बात है। लोकतंत्र की मिटाने वाले कि मैं ही एक जैसे पहले राजा होता था, ये सरकार में क्या है इस परिस्थितियां बन रही हैं जो मैं समझ रहा हूँ, एक राजा होता था और राजा जो हुकुम करता था वो प्रजा को मानना पड़ता था, लेकिन राजा काल में भी मैं समझता हूँ जो मैं पढ़ा हूँ और जो समझा हूँ, राजा के सामने भी फरियाद करने की बात होती थी, उससे भी पूछा जाता था। ये तो ऐसी फरियाद है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने दो, हमने भी टीवी पे देखा हमें बोलने दो, वो कहते माफ़ी मांगो, हैं तो माफ़ी मांगो, अरे किसी को सजा तो तब मिलेगा ना कि जब वो अपनी बात को कहेगा। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी भी तो सुनो, उसकी भी तो सफाई करो, तो उनको तो सुना ही नहीं। और ये ढंग की जो प्रक्रिया एक सोची समझी चाल इसीलिए है कि राहुल गांधी जी ने अडानी के सवाल के ऊपर जिस ढंग से प्रश्न किया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, उसको जवाब ना देखे वो एक तरीके से नंग हो गई सरकार। अब उन्होंने फौरी रूप में क्या है कि वो जो 2019 में जो कर्नाटका के अंदर राहुल जी ने अपना स्टेटमेंट जो दिया था उसको एक आधार बना के फौरी रूप में उस जो आधार बना के अभी इसको ले आए हैं, उसको ले आए। और इतनी जल्दीबाजी क्या थी बताइए, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, हम तो देखते मजदूरों का देखते हैं, एक मजदूर केस डालता है उसका जूता चप्पल टूट जाता है, उसके बच्चे के गहने गुड़िये बिक जाते हैं और उनको इतने लंबा समय लगता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। और बताइए 19 का मैटर, हाँ सुनिए, पार्लियामेंट में बात उठते ही 10 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाता है कि इनको 2 साल की सज़ा। अब बताइए उसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा की बात मैक्सिमम दे दिया गया, अधिक से अधिक में, तो ये क्या है हम समझ। और उसके बाद पार्लियामेंट में ये माने 23 तारीख को फैसला होता है और 24 तारीख को जो है उनका निलंबन की, ऐसे तो बहुत से ऐसे मैटर हैं
मैं तो मैं सुना कि लालू जी के साथ भी हुआ, लेकिन लालू जी की तो 24 घंटे के अंदर उनका नहीं गई मेंबरशिप, माने उनको जो है कि ऊपर की कोर्ट में फरियाद करने का मौका भी नहीं दी गई और सदस्यता खत्म हो गई। तो ये क्या है, जब बड़े लीडर के ऊपर माने एक बड़ी पार्टी के नेता को सदस्यता को ये कर दिया जाता है, तो छोटे मोटे को क्या है, छोटे मोटे तो क्या है, वो तो गाजर मूली है। अगर कोई आदमी जो ताकतवर माने इतनी बड़ी पार्टी को जिनकी सदस्यता खत्म कर दिया गया, तो अगर यही चीज होता रहा तो आज तो राहुल गांधी के साथ हुआ है, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अब अभी क्या है, त्रिपुरा के अंदर हमने सुना है, त्रिपुरा के अंदर कि बताइए चुनाव हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और चुनाव होने भाई सत्ता में आप हो, सत्ता दल की पार्टी का ये समझ होती है कि वहाँ कानून व्यवस्था बनाना, और सत्ता जब आपको मिल गया तो जो हारे हुए लोग हैं जो सरकार में हैं उन वामपंथी पार्टी और जो भी लोग थे ऑपोजिशन के लोग उनके घरों को जलाया गया। तो ये इसको क्या कहेंगे आप, तनाशाही तो कहेंगे, हम ही रहें, मैं ही रहूं देश में और कोई नहीं रहे, तभी लोकतंत्र कहाँ रहा। जब लोग की बात ही नहीं सुना, लोकतंत्र में भाई चुनाव होते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। आप जीत गए हैं तो हुआ, आपको काम के लिए भेजा है, ये गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी भेजा है। तो ये चीज़ है, ये यही चीज़ दिखा रहा है कि लोकतंत्र तो है नहीं। तो ये तमाम जो जनता है वो अब क्या करें, जनता को इन चीज़ को समझना चाहिए, जो घटना घटित हो रही है, मैं समझ रहा हूँ जो ये घटना जो हो रही है ये भयंकर घटना है। ये माने इसको जनता को खुद को समझ के और समझ के इसको विरोध में खड़ा होनी चाहिए कि जनता ही इसको कर सकती है। हाँ जनता होगी, जनता में अभी क्योंकि हमारे भारत के अंदर कि जो भारत का जो हमारा इतिहास है बहुत दिनों के बाद हमारी जनता जागी, जब सब कुछ लूट लेता है तो जनता खड़ा होने की कोशिश करती है। लेकिन अभी कुछ न, मैं ये समझता हूँ कि पहले के बनिस्बत में अभी तो कुछ विरोध हो रहे हैं कि इमरजेंसी का दौर था, जब 75 में इमरजेंसी लगी तो 77 में जाके लोगों ने खड़े हुए थे दो साल बाद में। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, थोड़ी ही सही, आज तमाम लोगों ने जैसे ही सदस्यता खत्म हुआ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन इतने विरोध से नहीं काफ़ी है, इसको व्यापक विरोध की आवश्यकता है। व्यापक क्यों, क्योंकि अभी देख लीजिए महंगाई कितनी है। ये पहली बार बताइए, मेरा अपना मेरी 68 साल की उम्र हो गई, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार सुना कि बिना डिस्कशन के बजट, बिना डिस्कशन के पारित हो जाना, ये क्या दर्शाता है, इसको लोकतंत्र कहेंगे क्या? किसी ऑपोजिशन लीडर का बजट के सवाल पे बहस करने का मौका दिया गया? कोई भी पारित हो गई ध्वनि मत से, तो क्या है? तो मैं यही समझ रहा हूँ कि कोई चीज़ है, इस तरह की बात दिखाई नहीं दे रही है। मजदूर महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर कितना दाम हो गया, हाँ जरूर जो सरकार मोदी साहब का हमने 5 किलो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, अरे ये 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है बताइए मुझे, एक इंसान को 5 किलो अनाज, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात कर रहे हैं। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, दो हजार तेरह के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो अनाज देने की ये अधिनियम बना के घोषणा की सरकार ने पार्लियामेंट द्वारा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कांग्रेस गवर्नमेंट, हाँ यूपीए गवर्नमेंट ने, जिसने ये कहा था उसमें वामपंथी पार्टियों का भी सपोर्ट था, 2013 में 5 किलो अनाज दिए जाएगा।
देश के 75% लोगों को, देश की जनसंख्या का 75% लोगों को दिया जाएगा। सरकार ने यह घोषणा कर दी कि हम 5 किलो मुफ्त देंगे 80 करोड़ को। हरियाणा के अंदर जो मैं खुद देखा हूँ, खुद को देखा, उसमें मेरा भी नाम है और बहुत से लोग हैं जो जिनके सफ़ेद कार्ड थे खाद्य सुरक्षा के, थे 5 किलो अनाज में, जिसमें दाम है कि आपको 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 किलो रुपये मोटा अनाज, ये है नियम, ये खाद्य सुरक्षा नियम के तहत में। अब वो उनके भी कार्ड दिए गए, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देने की बात कर रहे हैं और जिनको खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो अनाज दे रहे थे वो भी कट गया, उसको बंद कर दिए, जबकि उस हिसाब से डाटा देखा जाए, उस नियम के हिसाब से देते, एक अरब लोगों को कम से कम उनको जो है कि 5 किलो अनाज मिलनी चाहिए था। तो ये पर्दे के आड़ में उन चीज़ों को ख़त्म भी कर रहे हैं, माने लोगों को दिखाई नहीं भी नहीं दे और लोगों की गले काट भी रहे हैं। तो ये काम सूट पॉइजन। अब मान लिया इन्होंने कहा, क्या कहा था शुरुआत में, गैस सब्सिडी में बढ़ो, गैस की बहुत ब्लैकमेल हो रहा है, बहुत ब्लैकमेल हो रहा है, इसीलिए गैस को पैसे का, सब्सिडी का पैसा बैंक में जाएगा। लेकिन और हम लोगों ने, लाल झंडे के लोगों ने पहले कहा था कि एक बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा होने वाला है, ये सब्सिडी के नाम पे इसको बंद करने वाली बातें हैं और वो आज सामने आ रही है। आज बताइए, गैस का सिलेंडर का दाम 1100 से ऊपर फन गया, एक पैसा बैंक के खाते में नहीं जा रहा है। तो उसी ढंग से राशनी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन मिल रहे हैं उसको भी 80 करोड़ मुफ्त अनाज के दायरे को दिखाते हुए इसको 5 किलो जो खाद्य सुरक्षा वाला नियम के तहत जो अनाज मिल रहा है उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया है, जबकि ये पार्लियामेंट द्वारा पारित है। किसी भी सरकार को व्यक्तिगत रूप में इसको ख़त्म करने का नियम नहीं है, जब बिना अधिघोषणा के बगैर में भी, ये तो पार्लियामेंट का पास किया हुआ, पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकता है। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन लोग जो पढ़े लिखे लोग तो अच्छी ढंग से समझते हैं इस चीज़ को। दोस्तों, ये विजय कुमार झा जी थे, कॉमरेड हैं और लगातार वर्तमान गतिविधियों पे अपनी नज़र बनाए रखते हैं। आप इनके विचारों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।